नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने जापान का जो वीडियो देखा है, जो कि जापान का कुछ पोजीशंस आया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जो SSW प्रोग्राम के अंडर है, तो उसका जो पूरा डिटेल्स वीडियो आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट किया, काफ़ी सारा लाइक्स भी किया इस वीडियो को, उसका डिटेल्स वीडियो आपको विदिन टू डेज आपको डिटेल्स वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की बात करें तो दोस्तों, ये एक शायद यूट्यूब इंडिया पे जो कि वीजा कंसल्टेंट जितना भी चैनल है, शायद ये पहली बार हो रहा है जो ऐसा सीरीज स्टार्ट करने में हम जा रहे हैं, जैसे कि पूरे डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो वीडियो बना है ये क्या है, क्या फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड में कितना सैलरी तक आप गेन कर सकते हो, कितना इस फील्ड में कितना अपॉर्चुनिटी है एंड कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, लाइसेंस क्या है, मतलब लाइसेंस के डिटेल्स के बारे में हम जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेकर एडमिशन तक, उसके एग्जामिनेशन तक, उसके ट्रेनिंग तक, ड्यूरेशन तक, उसके वैलिडिटी डिटेल्स में जाएंगे। तो इसीलिए ये सारा चीज़ समझाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ये सीरीज वाइज बना जाएगा, मतलब एपिसोड वाइज आपको दिखाया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इंपॉर्टेंट सीरीज आप मिस ना करें। शायद यूट्यूब जो वीजा कंसल्टेंट जितना भी चैनल है, शायद ये पहली बार ये सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ आप ये सीरीज मिस करें। एंड ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चले, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप सही रास्ता, सही लाइसेंस आप चूज कर पाओ फॉर द फ्यूचर। तो दोस्तों, मैं बादल स्वागत करता हूँ आपको कनिष्क आचार्य चैनल पर। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी जो गार्ड का जो जॉब होता है बेसिकली यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में एंड अदर GCC कंट्री में, चाहे यूरोपियन कंट्री में ये सब चीज़ इतना नहीं फोकस रहता है, बट हाँ GCC कंट्री की बात करें तो बेसिकली दुबई, तो सिक्योरिटी गार्ड का अपॉर्चुनिटी बहुत निकलता है। आपने बहुत सारा कंपनी का नाम सुने होंगे, जैसे कि ट्रांसगार्ड, जैसे कि वर्ल्ड सिक्योरिटी, जैसे कि स्टार सिक्योरिटी, ये काफ़ी सारा कंपनी बहुत सारे तादाद में सिक्योरिटी को अपॉइंटमेंट करते हैं। आंसर आप ज़रूर एडवर्टाइजमेंट पर देखे होंगे, तो कोई कोई कंपनी मांगता है, हमें सिरा लाइसेंस वाले चाहिए, या फिर DPS लाइसेंस वाले चाहिए, या फिर PSVD लाइसेंस वाले चाहिए। तो हम जानेंगे ये चीज़ है क्या एंड इसमें क्या, हम पहले बात करते हैं इसका फैसिलिटी। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब है दुबई में, बहुत अच्छी जॉब माना जाता है। आप एंट्री लेवल पे भी कर सकते हो, मतलब आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, बट ज्वाइन करके दुबई में एक साल काम करके आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो डिटेल्स में आगे जानेंगे। तो आप अगर 10th पास हो, या फिर 12th हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, यानी कि मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, अगर 10th पास आप कम से कम हो गए हो, तो भी आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 10th पास इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उधर थोड़ा सा आपको बेसिक इंग्लिश नॉलेज की जरूरत होता है जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो वो तो अलग सा चीज़ है, वो आगे जानेंगे धीरे 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 धीरे, एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, और एक इसी बीच और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जापान वीडियो अभी तक नहीं देखे, वो सीरीज अगले वीडियो का इंतजार आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिली जाएगा। अगर अभी तक जापान का SSW प्रोग्राम क्या है अभी तक नहीं देखे, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो जापान का SSW प्रोग्राम क्या है एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड की। बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है दुबई में। आप सैलरी एंट्री लेवल पर मिनिमम 30,000 से स्टार्ट करके अप टू आप 70,000 से 80,000 कमा सकते हो। एक्जैक्टली 1500 दिरहम से स्टार्ट होता है सिक्योरिटी गार्ड जॉब दुबई में, अप टू 3,500-4,000 तक जाता है गार्ड के लिए। सुपरवाइजर मैनेजर लेवल, वो तो अलग बात है, वो तो 7,000-8,000 तक जाता है मैनेजर सुपरवाइजर की लेवल का जो जॉब होता है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो फ्रेशर को भी एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि वहाँ पर जाकर कुछ दिन ट्रेनिंग देते हैं, जैसे प्रोविजन पीरियड होता है, वहाँ पर जाकर कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद वो आप लाइसेंस के लिए कंपनी अप्लाई करते हैं, या फिर आप अगर खुद चाहो तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल्स में जाने की, ये जो तीनों लाइसेंस है, आपका DPS है, आपका सीरा लाइसेंस है, आपका PSVD लाइसेंस है, वो क्या है। आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे ये एक लेवल है, मतलब एक लाइसेंस लेने के बाद दूसरे लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेवल नहीं है। एक लाइसेंस के बाद एक लाइसेंस आप समझ रहे हो, DPS लेने के बाद शायद हम सीरा लेने पड़े, या फिर सीरा लेने के बाद सर PSVD लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लाइसेंस के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हो, या कोई भी लाइसेंस के लिए आप टेस्ट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक कैटेगरी है, मैं आपको फर्दर एग्जांपल तौर से समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप जब हम 10th का एग्ज़ाम देते हैं, अब 10th का क्या है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड होता है। जैसे हम रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देते हैं तो उसको BSE कहते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। उसी तरह एक CBSE पैटर्न भी होता है, आप जरूर सुने होंगे CBSE पैटर्न, जो इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं। तो बोथ आर क्वालिफाइड, बोथ आर इक्वल एलिजिबल फॉर जॉब, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे ही वो एक कैटेगरीज होता है, जैसे BSE कैटेगरी होता है वो रीजनल लैंग्वेज में दिया जाता है, जैसे CBSE कैटेगरी होता है इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश में देते हो,
तो वैसे ही ये एक कैटेगरी है, जैसे आप कंपेयर नहीं कर सकते CHSE अच्छा है या फिर BSE अच्छा है। जो BSE से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं क्या वो अच्छा जॉब अच्छा पोजीशन पर नहीं जॉब करते, बहुत अच्छे पोजीशन पर करते हैं या फिर, तो डिफरेंस क्या है, कैटेगरी है, किसको ये पसंद है तो किसको वो पसंद है। तो एग्जैक्टली DPS एंड सीरा एंड PSBD एक कैटेगरी है, कोई लेबल नहीं है, ये अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग लाइसेंस से कहाँ कौन सा लाइसेंस कहाँ यूज होता है हम डेफिनेटली आगे जानेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एपिसोड आप मिस ना करो। दोस्तों हम जानते हैं इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले जानते हैं DPS। DPS स्टैंड फॉर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो कि एक दुबई पुलिस इसको हैंडल करती है, ट्रेनिंग करती है, इसको आपको ट्रेन करके लाइसेंस आपको प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। दोस्तों वैसे ही सिरा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है सिक्योरिटी सर्विस का, जो ट्रेनिंग करवा के सिक्योरिटी गार्ड को या फिर कंपनी को, जो कंपनी हायर करती है आप लोगों को, उनको आपके नाम पे लाइसेंस प्रोवाइड करता है फॉर द सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए। तो दोस्तों वैसे ही एक PSBD एक लाइसेंस होता है जो कि अबूधाबी पुलिस हैंडल उसको करते हैं, जैसे DPS दुबई पुलिस हैंडल करती है, ऐसे PSBD अबूधाबी पुलिस हैंडल करवाती है। उसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों उसको है प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, जो कि अबूधाबी पुलिस के द्वारा ये ट्रेनिंग किया जाता है एंड लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों तीनों लाइसेंस का वैल्यू जो है वो सेम है, कोई किसी से इधर उधर नहीं है, कोई हायर कैटेगरी नहीं है या फिर कोई लोअर कैटेगरी नहीं है, तीनों अपने जगह पर सही है। तीनों लाइसेंस होल्डर का सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फ्रेशर की बात करें, फ्रेशर तो अलग लाइसेंस है, फ्रेशर तो 1200-1300 दम से स्टार्ट होता है, बिकॉज आपके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है वो अलग बात है। बट अगर ये तीनों लाइसेंस किसी के पास है तो आप नहीं बोल सकते PSBD को ज़्यादा सैलरी मिलता है या फिर DPS वालों को ज़्यादा सैलरी मिलता है, सिरा को नहीं मिलता है, नहीं, तीनों लाइसेंस के वैल्यू सेम है, तीनों लाइसेंस को सेम सैलरी मिलता है। एंड ये जो है तीनों कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। और एक बार दोस्तों तीनों लाइसेंस जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट्स तीनों लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, तीनों लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कुछ लाइसेंस ऐसा, ये तीनों लाइसेंस ऐसा कुछ लाइसेंस है जो आप विजिट वीजा में अगर जा रहे हो अगर तो वहाँ पे विजिट वीजा में जाके वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्रेनिंग लेकर लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, एंड उसके बाद आप फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक चीज़ें इस सिक्योरिटी के बारे में। वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो अगले एपिसोड में जानेंगे DPS के बारे में, डिटेल्स के बारे में कि DPS होता क्या है, DPS कहाँ पे एग्जाम होता है, DPS एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, DPS कितना लेवल में एग्जाम होता है, उसके लिए कितना प्राइस प्रोवाइड करना पड़ता है, कितने दिन का ये ट्रेनिंग होता है, लाइसेंस कब मिलता है, लाइसेंस कैसे मिलता है, लाइसेंस मिलने के बाद कैसा प्रोसीजर होता है, डिटेल्स जानेंगे अगले एपिसोड में जो कि DPS के ऊपर होगा। अगर फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगला वाला एपिसोड आप मिस ना करो। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।